नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हर किसी के जीवन में परेशानियां होती है जो कि उन्हें इतना परेशान कर देती है कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। परेशानी में इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। इसका जवाब स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है। महाभारत के युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने खुद इस युद्ध को अपनी देखरेख में करवाया। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध ने हमें गीता जैसा महान ग्रंथ दिया जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का हल है। पर इन सब बातों के अलावा महाभारत की पूरी कथा और उसका हर एक चरित्र और उसके चरित्रों के जीवन और वाक्यांश हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कर्ण, जिसने पांडवों का भ्राता होने के बावजूद उनके विपक्ष में कौरवों के साथ युद्ध लड़ा और उसने जीवन में अपने वीरता की एक मिसाल दी और हमें कई सीख सिखाई। महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच में एक संवाद हुआ था और जिसके सवालों के जवाब श्री कृष्ण ने जो दिए वो आपके जीवन की हर समस्या का एक सटीक समाधान हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो कर्ण ने कृष्ण से पूछा कि हे वसुदेव, जन्म लेते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, लेकिन शूरवीर पैदा होना क्या मेरा अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शस्त्र शिक्षा केवल इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा तो दी, लेकिन ये जानने के पश्चात कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, उन्होंने मुझे सारी सीखी हुई विद्या को भूल जाने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, भूलवश जब मुझसे एक गाय को तरकश लग गया तब उसके मालिक ने भी मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा उसमें कोई गुनाह नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। यहां तक कि माता कुंती ने भी मुझे सत्य केवल इसलिए बताया ताकि वो अपने पांडव पुत्रों की रक्षा कर सकें। अपने जीवन में मुझे जो भी मान सम्मान और वैभव मिला वो दुर्योधन की तरफ से मिला, तो अगर मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा हूं तो आखिर मैं कहां गलत हूं? कर्ण के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, कदाचित तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, किंतु मेरी कथा भी तुमसे कुछ अलग नहीं। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु तय कर दी गई। मेरे प्राणों के रक्षा के लिए मेरे जन्म लेते ही मेरे माता पिता को बिछड़ना पड़ा। बाल्यकाल में तुम सब तलवार, घोड़े, रथ, तीर, धनुष आदि के साथ खेलते हुए बड़े हुए, लेकिन मैं बचपन में ही अपने प्राणों की रक्षा लोगों से करता रहा। बचपन में ही कई लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। तुमने जिस कन्या से प्रेम किया उसी से विवाह किया, किंतु मैं अपने प्रेम के साथ विवाह तक नहीं कर पाया, बल्कि मुझे उन सभी गोपियों के साथ विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थी, जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया। अपने प्रति हुए इतने अन्यायों के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपने पूरे संप्रदाय की रक्षा हेतु जब मैं उसे जमुना के तट पर ले गया तो लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। अगर दुर्योधन इस युद्ध में जीत गया तो अवश्य ही तुम्हें इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, किंतु युधिष्ठिर के युद्ध जीत जाने के पश्चात मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिवाय इस युद्ध को करवाने के दोषी करार देने के अलावा। इसलिए हे कर्ण, तुम्हें ये बात सदैव ज्ञात होनी चाहिए कि संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। हर किसी के जीवन में अन्याय की कुछ घड़ियां तो आती ही है और कहीं ना कहीं हर कोई अन्याय का शिकार होता है, किंतु सही क्या है इसका अंदाजा सिर्फ तुम्हें होता है। हमें कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ा, ये सारी बातें हमारी योग्यता को नहीं ठुकराती है। इसीलिए हे कर्ण, मेरा तुमसे यही निवेदन है और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर तुम अपने प्रति हुए अन्यायों की शिकायत करना बंद करके खुद का विवेचन करो। जीवन में भले ही तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, किंतु
अगर तुम अधर्म की राह पर चलोगे तो ये अज्ञान ही होगा। ये कभी मत भूलो कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग बनता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने कितने कम शब्दों में जिंदगी का कितना बड़ा पाठ हम सबको सिखा दिया कि चाहे हमारे साथ कोई व्यक्ति कितना ही गलत क्यों न करें, गलत के बदले गलत करना तो गलत ही है। चाहे हमारे साथ अन्याय हो, लेकिन हमें अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुनना चाहिए। हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल सारी मुसीबतें खत्म जरूर होगी और हमें धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतिफल भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की बताई एक बहुत ही रोचक बात। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।